Hello students, how are you all? I hope all are you fine. Today I am going to teach you computer subject. In our previous videos, we completed our chapter 1, 2, 3 and 4. And today we are going to start our chapter number 5 of our computer book. So all my dear students, please open your computer book in page number 39. Okay, in page number 39, chapter number 5, the name of the chapter is Using a Keyboard. In this chapter, we will learn about keyboard and different types of keys which are available on our keyboard, like alphabet keys, number keys, space bar key, backspace key, enter key and caps lock key. That type of key we will learn in this chapter. So ab hum hamara chapter number 5 start karte hain. The keyboard is a primary part of a computer. Jo hamara keyboard hota hai वो हमारे कंप्यूटर का एक प्राइमरी पार्ट होता है. एज वी यूज पेंसिल टू राइट इन ए नोटबुक, जैसे कि हम हमारी नोटबुक में हमारी कॉपी में लिखने के लिए पेंसिल का यूज़ करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में टाइप करने के लिए हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं. इन द सेम वे वी यूज़ कीबोर्ड टू टाइप नंबर्स एंड लेटर्स ऑन द कंप्यूटर. जैसे हम हमारी कॉपी में नोटबुक में लिखने के लिए पेंसिल का यूज़ करते हैं, सेम वैसे के वैसे ही हम कंप्यूटर में स्पेलिंग्स और नंबर टाइप करने के लिए कीबोर्ड का यूज करते हैं. अब कीबोर्ड कीज, अब यहाँ पे आप अलग अलग टाइप की कीज कौन कौन सी होती है जिसमें कीबोर्ड पे हमको मिलती है, वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं. उन वो किस यूज में हम लेते हैं, उसका किस काम के लिए हम यूज करते हैं, वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं. तो ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे. द स्मॉल बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज. जो आपका कीबोर्ड होता है उस पर जो छोटे छोटे बटन्स होते हैं उसे हम कीज बोलते हैं. ठीक है, आपको वहाँ पे बटन नहीं बोलना है, कीबोर्ड पे बहुत सारी जो बटन्स होते हैं उसको बटन नहीं बोलेंगे हम, उसको क्या बोलेंगे, कीज. देयर आर सेवरल कीज ऑन द कीबोर्ड. वो जो हमारा कीबोर्ड होता है उसमें बहुत सारी कीज होती है. लेट अस लर्न अबाउट दिस कीज. और जो कीबोर्ड पे बहुत सारी कीज होती है उसके बारे में हम यहाँ पर अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, उनका नेम क्या होता है और उनका यूज हम किस लिए करते हैं. तो लिखे यहाँ पे आपको बहुत सारे कीज के नेम. फर्स्ट में लिखा है अल्फाबेट कीज, सेकंड में नंबर या न्यूमेरिक कीज, थर्ड में स्पेस बार की, फोर्थ में बैक स्पेस की, थर्ड में इंटर की एंड फोर्थ में कैप्स लॉक की. ओके, दिस टाइप ऑफ कीज वी विल लर्न इन दिस चैप्टर. नाउ फर्स्ट अल्फाबेट की. अब अल्फाबेट की क्या होती है, इसका यूज हम किस लिए करते हैं, क्या टाइप करने के लिए करते हैं, वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं और आपको इसको चीज़ें देखना है, सुनना है और याद रखना है. तो वी यूज अल्फाबेट कीज टू टाइप लेटर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. और जो अल्फाबेट कीज होती है उसका यूज हम लेटर्स टाइप करने के लिए करते हैं, वर्ड्स टाइप करने के लिए करते हैं और सेंटेंस टाइप करने के लिए करते हैं. यानी कि कोई सी भी स्पेलिंग हमको लिखना है, हमारा नेम लिखना है, हमारे क्लास का नेम लिखना है, क्लास लिखना है, सरनेम लिखना है, या जो भी हमको स्पेलिंग लिखना है उसको लिखने के लिए हम अल्फाबेट की का यूज़ करते हैं. मैं आपको इसको कीबोर्ड पे भी दिखाता हूँ कि कौन कौन सी की अल्फ़ाबेट कीज होती है. यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये कीबोर्ड में दिखा रहा हूँ आप सभी को. यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट की यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो टोटल कितने वर्ड्स होते हैं, अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26. तो ये सारे 26 लेटर्स आपको यहाँ पर कीबोर्ड पे मिलते हैं, जिससे हम जो भी स्पेलिंग बनाना चाहते हैं वो यहाँ से बनाकर टाइप कर सकते हैं. जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26. ये 26 की आपकी अल्फाबेट की होती है. इसके मदद से हम, इसकी हेल्प से हम कोई सी भी स्पेलिंग जो हम टाइप करना चाहते हैं यहाँ से बनाकर टाइप कर सकते हैं. ओके, आपको ये बुक में भी फोटो दे रखा है सेम ऐसे कैसे, ये आपके 26 अल्फाबेट्स हैं जिसकी मदद से हम
जो भी स्पेलिंग बनाना चाहते हैं यहां से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, इन पेज नंबर 40 टू टाइप इंडिया प्रेस दिस कीस। अगर हमको इंडिया की स्पेलिंग टाइप करना है तो हमको ये वाली कीस प्रेस करना होती। सबसे पहले हम आई वाली की को प्रेस करेंगे, फिर एन वाली की को प्रेस करेंगे, फिर टी वाली की को प्रेस करेंगे, फिर की को प्रेस करेंगे और लास्ट में ए वाली की को प्रेस करेंगे। और जैसे हम कीबोर्ड पे यहाँ पर टाइप करते जाएंगे वैसे ही आपकी स्क्रीन पर आपके मॉनिटर पर आपको ये स्पेलिंग्स दिखना लग जाएगी। जैसे आई टाइप करेंगे तो आई आ जाएगा, एन डी आई ए, जैसे हम ये टाइप करेंगे वैसे आपको यहाँ पर आपके मॉनिटर पर दिखना लग जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है आपको नंबर की। अब नंबर की क्या होती है, उसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, हम यहाँ पर समझने वाले हैं। आप ध्यान से इसको समझेंगे और याद रखेंगे। तो लिखा है दिस कीज आर यूज टू टाइप नंबर्स। वो जो नंबर की होती है इसका यूज हम नंबर्स टाइप करने के लिए करते हैं। आप सभी को पता है नंबर होते हैं आपके पास 0 से लेकर 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे नंबर्स जो भी आपको टाइप करना है वो हम यहाँ से नंबर की मदद से टाइप कर सकते हैं। देर आर 10 न्यूमरिक कीज ऑन द कीबोर्ड। जो आपका कीबोर्ड होता है उस पर 10 न्यूमरिक की होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया 0 से लेकर 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, ये 10 हमारे न्यूमेरिक कीज हमारे कीवर्ड पर होते हैं। टू टाइप योर मार्क्स 90 प्रेस दिस कीज। अगर आपको जो 90 मार्क्स किसी सब्जेक्ट में मिले हैं तो उसको टाइप करने के लिए हम यहाँ से 9 और 0 को प्रेस करेंगे। 9 वाली की को और 0 वाली की को जब प्रेस करेंगे तो आपका ये 90 आपको मॉनिटर पर दिखना लग जाएगा। और एक और बात इसमें आपको बताऊंगा मैं आपको कि जो कीबोर्ड होता है उस पर ये जो नंबर की होती है टू टाइप्स होती है। मैं आपको आपके कीबोर्ड पे भी बताता हूँ कि कहाँ पर होती है। ये आपका कीबोर्ड है, इसमें सबसे ऊपर जो आपकी फंक्शन की है इसके जस्ट सेकेंड लाइन पर, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, ये न्यूमेरिक की होती है 10। एक तो यहाँ पर होती है और आपके कीबोर्ड के राइट साइड में यहाँ पर लास्ट में इधर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारी नंबर की भी होती है। आप चाहे तो यहाँ से भी नंबर टाइप कर सकते हैं, चाहे तो इधर से भी हम नंबर टाइप कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे हम, पेज नंबर 41, स्पेस बार की। अब स्पेस बार की का यूज हम क्यों करते हैं, किस काम को कंप्लीट करने के लिए करते हैं वो अभी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो लिखा है यहाँ पर स्पेस बार की हैव us to give space between words। जो स्पेस बार की होता है उसका यूज हम टू वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए करते हैं। जैसे हमने एक स्पेलिंग लिख दी माई और इंडिया, हमको लिखना है माई इंडिया, दोनों स्पेलिंग लिखना है, दोनों वर्ड्स लिखने हैं। तो हम पहले माई लिखेंगे, कीवर्ड से एम प्रेस करेंगे, फिर एम वाली की को प्रेस करेंगे, देन आफ्टर हमारी जो स्पेस बार की होती है उसको वन टाइम हम प्रेस करेंगे। आपको याद रखना है जो स्पेस बार की होती है उसको केवल हम वन टाइम ही प्रेस करते हैं, आपको केवल वन टाइम इसको दबाना होता है। जब हम इसको वन टाइम स्पेस देंगे, वन टाइम इसको प्रेस करेंगे स्पेस बार की को, तो वाई के बाद आपको थोड़ी सी जगह यहाँ पर मिल जाती है, स्पेस यहाँ पर आपको हो जाती है, थोड़ी सी जगह यहाँ पर छूट जाती है। उसके बाद स्पेस बार की वन टाइम दबाने के बाद हमको इंडिया लिखना है, तो फिर हम आई एन डी आई ए वाली की को प्रेस कर देंगे तो वो स्पेलिंग वहाँ पर आ जाएगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे समझाया लिखा भी है, टू टाइप माई इंडिया प्रेस दिस की, सबसे पहले हम माई एम माई ए वाली की को दबाएंगे और वाई वाली की को दबाएंगे, उसके बाद वन टाइम स्पेस बार की को दबाएंगे तो वहाँ पर वाई के बाद स्पेस आपको हो जाएगी, उसके बाद इंडिया की स्पेलिंग हम यहाँ पर टाइप कर देंगे आई एन डी आई ए। ओके, अब लिखा है बैक स्पेस की। अब बैक स्पेस की क्या होती है, इसका यूज हम क्यों करते हैं वो यहाँ पर आपको देखना है, समझना है। तो लिखा है बैक स्पेस की के बारे में आपको यहाँ पर, बैक स्पेस की हेल्प्स अस टू इरेज द लेटर और नंबर। जो बैक स्पेस की होती है उसका यूज हम लेटर और नंबर्स को इरेज करने के लिए करते हैं। ठीक है, अगर हमसे कोई सी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, हमने कोई सी स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो उसको हम बैक स्पेस की मदद से इरेज कर सकते हैं। हम लेटर्स मतलब कोई भी वर्ड्स को, कोई से भी अल्फाबेट को भी इरेज कर सकते हैं, कोई से भी नंबर को भी, या जो भी हम टाइप करते हैं उसको बैक स्पेस की मदद से इरेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैं दिखा सकता हूं आपको कीबोर्ड पर कहां पर आपकी बैक स्पेस की होती है। तो ध्यान से आप देखेंगे, आपका कीबोर्ड पर जहां पर इंटर की होती है यहां पर इसकी जस्ट ऊपर ये लिखा भी होता है की के ऊपर बैक स्पेस, इसकी की मदद से हम
लेटर्स और नंबर्स को इरेज कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे, इस पे लिखा भी है बिग स्पेस कीप, तो इससे हम इरेज करने का काम करते हैं। और ये की आपके जो लेटर्स या नंबर्स है उसको लेफ्ट साइड से इरेज करती है, ठीक है। अब जैसे यहां पे लिखा है आपको वन बाय बैक स्पेस की हेल्प अस टू इरेज द लेटर और नंबर वन बाय वन फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। जो बैक स्पेस की होती है वो कर्सर के लेफ्ट साइड से इरेज करती है वन बाय वन कैरेक्टर को। पहले एक को करेगी, एक वर्ड को करेगी, फिर दूसरे वर्ड को, फिर तीसरे, मतलब वन बाय वन वो इसको लेफ्ट साइड से इरेज करती है। जैसे यहाँ पे लिखा है ए बी सी हमने टाइप किया है, अगर हम बिग स्पेस की को दबाएंगे तो लास्ट से सी आपका पहले इरेज होगा, फिर बी इरेज होगा, फिर ए इरेज होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, अब लिखा है यहाँ पे इंटर की पेज नंबर 42 पर। इंटर की का यूज हम क्यों करते हैं, किस काम में हमको ये इंटर की का यूज करना होता है, यहाँ पर हम इसको समझने वाले। तो लिखा है इंटर की इज यूज टू स्टार्ट ए न्यू लाइन। जो इंटर की होती है उसका यूज हम न्यू लाइन स्टार्ट करने के लिए करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न की। और जो इंटर की होता है इसका एक और नेम यहाँ पर क्या होता है, रिटर्न की। जिसे हम लिखना चाहते हैं माई इंडिया, हमको माई फर्स्ट लाइन में लिखना है और इंडिया को सेकेंड लाइन में लिखना है, तो हम पहले माई की स्पेलिंग राइट करेंगे M5 और उसके बाद जो आपकी इंटर की होती है ये इसको वन टाइम हम प्रेस कर देंगे, ठीक है। जब हम वन टाइम प्रेस करेंगे तो हम जो ऊपर वाली फर्स्ट लाइन में थे वहां से हटकर हम नेक्स्ट सेकेंड लाइन पर आ जाएंगे, और फिर हम इंडिया की स्पेलिंग टाइप कर देंगे तो वहां पर फिर इंडिया आ जाएगा। जैसे उन्होंने यहाँ पर बता रखा है आपको, पहले उन्होंने माई लिखा M5, देन उन्होंने इंटर की को प्रेस किया तो वो वहां से नीचे लाइन पर आ गए, और फिर उन्होंने इंडिया की स्पेलिंग टाइप की INDIA, तो वो अगर हमको वन लाइन से सेकेंड लाइन पर जाना है, फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन पर जाना है, तो हम इंटर की का यूज करते हैं। और इंटर की का एक और नेम यहाँ पे आपको बताया है, क्या बताया है, रिटर्न की। नेक्स्ट ये रखा है कैप्स लॉक की। अब कैप्स लॉक की का यूज हम क्यों करते हैं, किस काम में ये की आती है, अब ये हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो लिखा है कैप्स लॉक की इज यूज टू टाइप द लेटर्स इन कैपिटल। सभी को पता होगा कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल मतलब जो आप लेटर्स टाइप करना चाहते हैं उसको कैपिटल लेटर्स में, बड़े साइज में उसको अगर कैपिटल लेटर्स में टाइप करना चाहते हैं तो हम कैप्स लॉक की का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है इंडिया, अभी हमने इंडिया ऊपर लिखा था तो वो स्मॉल लेटर्स में आ रहा था, पर अगर हम इसको कैपिटल लेटर्स में टाइप करना चाहते हैं तो इसके लिए हम कैप्स लॉक की का यूज करते हैं। तो हम अगर इंडिया को टाइप करना चाहते हैं कैपिटल लेटर्स में तो इसके लिए हम पहले कैप्स लॉक की को वन टाइम प्रेस करते हैं। एक मिनट में आपको कीबोर्ड में बताता हूँ कैप्स लॉक की कहाँ पर होती है। ये कीबोर्ड पर कैप्स लॉक की आपको यहाँ पर कीबोर्ड के लेफ्ट साइड पे यहाँ पर ये होती है, इस पर लिखा भी होता है आपको कैप्स लॉक। इस की का यूज हम लेटर्स को कैपिटल लेटर्स में टाइप करने के लिए करते हैं। जब हम इसको वन टाइम की को दबाते हैं कैप्स लॉक की को, तो आपके कीबोर्ड की यहाँ पर लास्ट में थ्री लाइट्स होती है, यहाँ पर सेकंड नंबर की लाइट आपके कैप्स लॉक की के लिए होती है। जब ये लाइट ऑन रहती है, जल्दी रहती है, इसका मतलब ये है कि आपने कैप्स लॉक की को ऑन कर रखा है। और जब ये लाइट ऑन है तो हम जो भी स्पेलिंग यहाँ से टाइप करेंगे कीबोर्ड से वो सारे लेटर्स कैपिटल लेटर्स में आते हैं, और अगर वापस से हमको स्मॉल लेटर्स में टाइप करना है तो हम कीबोर्ड से वापस से इस कैप्स लॉक की को वन टाइम प्रेस कर देंगे। और जब हम इसको वन टाइम वापस से प्रेस कर देंगे तो जो कीबोर्ड की यहाँ पर लाइट होती है वो बंद हो जाती है, और जब लाइट बंद हो जाती है इसका मतलब ये है कि हम कीबोर्ड से जो भी स्पेलिंग टाइप करेंगे वो सारे स्मॉल लेटर्स में टाइप होंगे। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स हमने चैप्टर 5 के पढ़ लिए हैं। अब आपको पेज नंबर 43 पर एक्टिविटी 1 दे रखा है, इसको आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है बुक में ही, ठीक है। एक्टिविटी 1 इन पेज नंबर 43 एंड एक्टिविटी 2 ऑफ पेज नंबर 44, ठीक है। एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 2 यू विल कंप्लीट इन योर होमवर्क। मैं एक बार इसको समझा देता हूं आपको क्या करना है। एक्टिविटी 1 में क्वेश्चन लिखा है आपको, यूज द क्लू टू फाइंड द नेम ऑफ द कीज हिडन इन द वर्ड सर्च।
यहाँ पे आपको बहुत सारे अल्फाबेट्स लिखे हैं यहाँ पर, इससे आपको ये स्पेलिंग जो ब्रैकेट में दे रखी है वो फाइंड करना है, ठीक है। जैसे आप पजल आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी बनाते हैं आप, वैसे इसमें पजल बनाना है आपको, ये स्पेलिंग्स इसमें फाइंड करना है, नंबर के लिए, अल्फाबेट के लिए, इंटर के लिए, स्पेस बार के लिए, कैप्स लॉक के लिए एंड स्पेस सॉरी बैक स्पेस के लिए। तो ये स्पेलिंग्स आप इसमें फाइंड करेंगे अच्छे से, ओके। एंड एक्टिविटीज टू, द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कीज एंड कलर देम। आपको यहाँ पे अल्फाबेट, इंटर, बैक स्पेस, नंबर, स्पेस बार एंड कैप्स लॉक की को आइडेंटिफाई करना है और इनके सामने जो कलर है, जैसे अल्फाबेट के लिए रेड कलर आपको करना है, मतलब जितने भी अल्फाबेट्स की यहाँ पर है उन सारे की के ऊपर आप रेड कलर कर देंगे, नंबर की के ऊपर येलो कर देंगे, इंटर की के ऊपर ग्रीन, स्पेस बार के ऊपर ब्लू, बैक स्पेस के ऊपर ब्राउन और कैप्स लॉक पर ब्लैक कलर आपको इनमें बुक में करना है। तो इट इज योर होमवर्क टू कंप्लीट एक्टिविटी वन एंड एक्टिविटी टू इन योर होमवर्क। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5। ओके, थैंक यू।